हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी टीवी की बड़ी खबरें। गर्मी, आंख मारे, ओसा की, दिलबर और काला चश्मा जैसे सुपरहिट गानों की सिंगर नेहा कक्कड़ ने बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबर का उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि सिंगर को बॉलीवुड में पैसे नहीं मिलते हैं। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान नेहा ने कहा है कि गायकों को कमाई स्टेज शो और दूसरे जगहों से होती है, बॉलीवुड तो सिंगर को पैसा देता ही नहीं है। बता दें कि नेहा और योयो हनी सिंह जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं। उस म्यूजिक वीडियो का नाम है मॉस्को सूका। इस गाने में पंजाबी और रूसी भाषा का मेल होगा। इंटरव्यू के दौरान नेहा कक्कड़ ने कहा कि हमें गायकी के लिए पैसा नहीं मिलता, होता यह है कि वो सोचते हैं कि इस हिट गाने के बाद अब हम स्टेज पर कमाई कर लेंगे। 31 साल की नेहा कहती हैं कि मुझे लाइव कॉन्सर्ट और दूसरी जगहों से अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन कमाई के इस सीन में बॉलीवुड कहीं नहीं है, वो हमें गाना गाने का पैसा नहीं देते। देश में कोरोना वायरस के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में 80 और 90 के दशक के कई धारावाहिक नाटकों दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें रामायण, महाभारत, चाणक्य, शक्तिमान और अन्य सीरियल शामिल हैं। वहीं अगर रामायण की बात की जाए तो रामानंद सागर के बाद उनके बेटे आनंद सागर ने भी रामायण बनाई, जिसमें गुरमीत चौधरी ने राम का किरदार निभाया था और देबिना बनर्जी सीता बनी थी। वहीं सीरियल में वनवास की शूटिंग के दौरान एक बात को लेकर कहा सुनी हो गई थी और देबिना ने गुरमीत के साथ कभी काम ना करने की कसम खा ली थी। जब आनंद सागर कृत रामायण के बहुत ज़रूरी सीन की शूटिंग चल रही थी, उस समय राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास की शूटिंग हो रही थी। जंगल को सही तरीके से दिखाने के लिए सेट पर काफ़ी कंकड़ और पत्थर बिछा दिए गए थे। ऐसे में जब शूटिंग शुरू हुई तो गुरमीत काफ़ी तेज़ी से आगे निकल जाते और सीता यानी कि देबिना पीछे रह जाती। उस समय देबिना ने गुरमीत से धीमे चलने के लिए कहा, लेकिन जब दोबारा शूटिंग हुई तो फिर से गुरमीत आगे निकल गए और इधर देबिना पीछे रह गई। जब इस सीन को कई बार रिपीट किया गया तो निर्देशक ने गुरमीत के बजाय देबिना को डांट लगा दी। इसी दौरान दोनों के बीच हल्का फुल्का विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे बात बढ़ती गई। इस सीन की शूटिंग समाप्त होने तक दोनों में इतना ज़्यादा तूतू मैमै हो गया था कि लक्ष्मण का किरदार निभा रहे अंकित अरोड़ा को बीच में आकर दोनों को शांत कराना पड़ा। इस झगड़े ने गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। शो के खत्म होते होते कभी जिंदगी एक साथ बिताने की बातें सोचने वाला ये जोड़ा फिर कभी साथ काम ना करने की कसम खा ली थी। इसके कुछ दिनों बाद एक दूसरे के बीच हुए इस मतभेद को भुलाकर दोनों ने शादी भी कर ली। इसके बाद कुछ रियलिटी शोज और कुछ विज्ञापनों में भी साथ में दिखाई दिए थे। है ना रामायण से जुड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। खैर, आप सभी जानते होंगे कि दिव्यांका त्रिपाठी जल्द ही करण पटेल के साथ एक नए शो में दिखाई देने वाली है। लेकिन अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं आपको जो बताऊंगी वो आपके लिए किसी बैड न्यूज़ से कम नहीं है। दिव्यांका त्रिपाठी ने हाल ही में इस बात को स्वीकारा है कि करण पटेल के साथ उनका ये शो अब नहीं आने वाला है। जी हाँ, दिव्यांका ने खुद ये बात स्वीकारी है और कहा है कि किसी टेक्निकल रीज़न के चलते करण पटेल के साथ उनका ये शो अब कभी नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि वो जानती है कि उनके फैंस इस शो का वेट कर रहे थे, लेकिन ये एक बुरी खबर है। कोरोना के चलते हर कोई शो हम पांच को भी बहुत याद कर रहा है। ऐसे में हमारी बात हुई भैरवी यानी कि इस शो की काजल से। काजल ने इस शो से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से हमें सुनाए, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इस शो के दौरान काजल बहुत सारे ब्रेकअप और अफेयर्स के साथ चल रही थी। यही नहीं, काजल ने बताया कि शो की अन्य लड़कियां भी इसी दौर से गुजर रही थी। ऐसे में अशोक जी ने उनका बहुत ध्यान रखा। उन्होंने एक पिता की तरह उन सब की बातें सुनी और उन्हें हमेशा शांत रहने के लिए कहा। काजल ने बताया कि हम पांच का सेट किसी घर से कम नहीं था। वहाँ हर कोई एक दूसरे का बहुत ध्यान रखता था। सुबह 9 बजे की शिफ्ट के बाद लंच करने के बाद सभी लोग एक बड़े से पलंग पर लेटकर आराम से मज़े करते थे। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि पूरा दिन कब और कहाँ चला गया।
सोशल मीडिया पर इन दिनों हर कोई अपने क्वारंटाइन की कहानी सुनाए जा रहा है। कोई अपने घर पर कुकिंग कर रहा है तो कोई अपना समय किताबों के साथ बिता रहा है। ऐसे में शिविन नारंग बन गए हैं हेयर स्टाइलिस्ट। जी हाँ, बेहद 2 के शिविन हेयर स्टाइलिस्ट बन गए हैं और उन्होंने अपने पिता का बहुत ही बेहतरीन हेयर स्टाइल बनाया है। इस पूरे प्रोसेस को शिविन ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है। शिविन एक हाथ में कैंची और एक हाथ में कंघा लिए अपने पापा के बाल काट रहे हैं और यकीनन उन्होंने अपना ये काम भी अपने हर काम की तरह बेहद बेहतरीन तरीके से किया है। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। टीवी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी राशि।